घर चलें। आखिर द ग्रेट प्रदीप राणा के बेटे विक्रम प्रदीप राणा को मेरे दरवाजे पर आना ही पड़ा। तुम्हारे दरवाजे पर प्रदीप राणा का बेटा नहीं, सिद्धार्थ राणा का बाप आया। और वैसे भी इंसान को जिसकी फिक्र हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसके पास तो जाना ही पड़ता। इंसान को जिसकी फिक्र हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसके पास तो जाना ही पड़ता। कैसी है तुम? अट्ठाईस साल बाद याद आई माँ की। माफ कर देना माँ, तुझे तो मालूम है क्या हुआ था। जो भी हुआ था तेरे और तेज के बीच में हुआ था, और सजा माँ को भी दे दी। कितनी दोस्ती थी तुम दोनों में, सगे भाइयों से ज्यादा प्यार था। एक दरार क्या पड़ी, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो
तू तो अच्छी तरह से जानती है क्या हुआ था और मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। खैर, वो कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। और वैसे भी अपनी हार कौन याद रखना चाहता है? अट्ठाईस साल हो गए, इतना कुछ बदल गया मगर तुम नहीं बदले तीज। वही एटीट्यूड, वही गुरूर। वक्त बदलता है तेज सिंह ओबराय नहीं, मैं आज भी वही हूं और हमेशा वैसा ही रहूंगा। आप लोग ये किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी लड़ाई, कैसी दरार? दादी बताना। दादी बताइए। विक्रम और जानवी की शादी होने वाली थी, जानवी शादी वाले दिन शादी से भाग गई। क्योंकि वो तेज से प्यार करती थी। अरे वाह जेठानी जी, आपने तो अपनी जवानी में बड़े फ्लावर्स खिलाए। मैं ये कह रही थी कि शिवाय की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ साथ मिस्टर राणा की भी एक्स गर्लफ्रेंड यहीं पर है। क्या ये सब सच है? हाँ ये सच है। जानवी ने जब तेज को चुना तभी मैं और विक्रम नहीं मिले थे, और विक्रम ने मुझे ये बात बहुत पहले ही बता दी थी। इस फैमिली की हर जनरेशन में इश्कबाज हुए हैं। शर्म कर लो नॉर्मल लव स्टोरी वालों, शर्म कर लो। हैरान क्यों हो रहे हो सब लोग? अगर शिवाय की एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ आके रह सकती है तो जानवी का एक्स बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आ सकता? वैसे भी 28 साल पुरानी बात है, अब पुराने झगड़ों पर मिट्टी पाओ। चले एक मिनट। मां, मलिका का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक थप्पड़ पड़ेगा तुझे, बेटा कभी इतना बड़ा नहीं होता कि अपनी माँ को थैंक यू बोले, और ये तो हमारे घर की बच्ची है। अलग SSO. मैं भी बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, I meant SSOO. So I guessed it right. आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं जी, मैं तो बहुत अच्छा समझाती हूँ। आपको पता है मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने समझाने में PhD की हुई है। तो मिस SSOO, आपने कभी मिस्टर SSO यानी शिवाय सिंह ओबेरॉय को समझाने की कोशिश नहीं की? आई मीन, आई एम श्योर उनको समझने की काफी जरूरत है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो काश तो ट्राई किया ना समझाने का, पर मेरा मतलब मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, पर उन्हें समझाना नामुमकिन है।